मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा 400 पार सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि हकीकत है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की भी जमकर तारीफ की है। उन्होंने मध्य प्रदेश में सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा भी किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जनता से भीषण गर्मी और लू से बचाव के लिए सावधानी बरतने को कहा है। उन्होंने कहा कि आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकले। भीषण गर्मी में जरूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएं। जो भी लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद करें। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता उमा भारती ने कहा इंडिया गठबंधन ने उन मुद्दों को उठाया ही नहीं है जिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। ये मोदी विरोधी एकता है, मोदी विचार विरोधी एकता नहीं है। मुझे लगता है इस चुनाव में विपक्ष का सुपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाएगा। पीएम मोदी 400 नहीं 500 पार होंगे। मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर चार चरण में मतदान संपन्न हो गया। मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई सियासी दिग्गजों ने मध्य प्रदेश में अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार किया है। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी जाएंगे जहां वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में प्रचार और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीते दिनों पीने के पानी की किल्लत को लेकर वीआईटी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया था। इस विरोध को देखकर कॉलेज ने समर वेकेशन का ऐलान कर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में वीआईटी कॉलेज प्रबंधन ने अपने छात्रों को कम मिर्ची वाला खाना खाने की सलाह दी है। नौतपा में मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। सुबह से ही सूरज के तीखे तेवर हैं। इससे पहले रविवार को पूरा प्रदेश जमकर तपा। राजगढ़, शाजापुर, निवाड़ी, सागर, गुना, खजुराहो और सीहोर जिले सबसे गर्म रहे जहां पारा 46 डिग्री के पार रहा है। सागर में टीआई की स्कॉर्पियो कार बिना ड्राइवर ढलान पर आगे बढ़ी और एक सफाई कर्मचारी को कुचल दिया। कर्मचारी को हाथ, पैर और पेट में चोट आई है। वह अस्पताल में भर्ती है। बताया गया कि ड्राइवर हैंड ब्रेक लगाना भूल गया था। घटना शनिवार शाम सिविल लाइन इलाके की है। भोपाल रेल मंडल 2 स्टेशनों पर अब लाखों यात्रियों के लिए सस्ते ठंडे पानी की व्यवस्था शुरू की। इसमें भोपाल और इटारसी पर रेलवे ने वाटर वेंडिंग मशीनों की सुविधा को दोबारा शुरू कर दिया। इससे पहले ठंड पानी के लिए केवल पैकेट बॉटल की सुविधा उपलब्ध थी। प्रदेश के 413 नगरीय निकायों में बीते दो दिनों में मांस मछली की अवैध बिक्री के खिलाफ 442 कार्रवाइयां हुई हैं। इन कार्रवाई के तहत कुल 77,800 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। भोपाल नगर निगम क्षेत्र में सिर्फ एक और इंदौर निगम क्षेत्र में 3 जगह कार्रवाई की गई है। घाटे में चल रहे प्रदेश के निगम मंडलों को सरकार बंद करने की तैयारी में। ऐसे निगम मंडल और बोर्ड जिनसे शासन को या प्रदेश के नागरिकों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और इसके बावजूद वे संचालित होकर सरकार पर वित्तीय भार बढ़ा रहे हैं, उनकी जानकारी मांगी गई है।